मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी पसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। झूठों का उसके तो चंचल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में इससे पहले पहले एक नौकरी थी, दो दो हैं अब। पहले एक नाम था, वो भी दो दो हैं। तुम ही हो तनुश्री दत्ता? जी मैं ही हूँ तनुश्री दत्ता, कहिए। कहना क्या है मैडम? 48 घंटे 45,000 नहीं मिले तो फिर वो तुम्हारे बेटे को क्या नाम है उसका? टिल्लू। टिल्लू टिल्लू उसे भी देख लेते, चलो चलो। इससे पहले कि हम घर पहुंच जाएं और टिल्लू की सच्चाई सबके सामने आ जाए, क्या करूं क्या करूं। क्या हुआ करीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जी टिल्लू। हाँ हाँ जानती हूँ टिल्लू बीमार है, इसीलिए हम लोग घर जा रहे हैं ना। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर तो आया ही होगा। डॉक्टर? हाँ क्यों? जी एक्चुअली मैंने फोन कर दिया था, वो लोनावला से आ गए हैं, वो टिल्लू को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब वहाँ पर कोई होगा नहीं घर पे, और ताला लगा होगा तो। मतलब ताला? नो चाबी। आई मीन मैडम अगर आप वेट करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या हुआ, कर लूंगी वेट, उसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। अब देखो ना टिल्लू जल्दी से ठीक हो जाएगा तो तुम भी ऑफिस वक्त पर पहुंच जाओगी, और ऑफिस का काम भी सफर नहीं होगा, है ना? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैडम। आपका सेलफोन मिलेगा एक मिनट? सेलफोन? बिल्कुल, ये लो। हेलो। हेलो जी, आप टिल्लू को हॉस्पिटल ले गए? क्या टिल्लू को डॉक्टर के पास? कौन सा नंबर चाहिए आपको? आप डॉक्टर के पास ही हैं? जी नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं हूँ, मैं अली भाई की दुकान पर हूँ। आपको नंबर कौन सा चाहिए? अच्छा ठीक है, फिर मैं घर नहीं जाती, सीधा हॉस्पिटल ही आती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैडम आप बताएंगी आपको नंबर कौन सा चाहिए? ठीक है बाय। बाय? क्या हुआ? वो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। हॉस्पिटल? जी वो उस तरफ है, बहुत दूर है यहाँ से, the other side of the town। मैडम आप प्लीज मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है कोई बात नहीं। ड्राइवर गाड़ी रोको। बस इधर ही रोक दीजिए। बस बस। अरे रुको रुको, कुछ कहना बाकी? गाड़ी के दरवाजा तो खोलो। सुनो करीना। जी। कौन से हॉस्पिटल में है तुम्हारा टिल्लू? जी हॉस्पिटल वो उस तरफ वाले हॉस्पिटल की बात कर रही थी ना, क्या नाम क्या है? लोटस हॉस्पिटल। लोटस हॉस्पिटल? अच्छा, अरे पर वो तो आई हॉस्पिटल है। जी हाँ वो आई हॉस्पिटल ही है, लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्होंने पीडियाट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा जी। ठीक है फोन मिला। किसे मिलाऊं भाभी? अरे लोटस हॉस्पिटल, लोटस हॉस्पिटल के हम लोग ट्रस्टीज है। मैं डॉक्टर इंचार्ज से बात करती हूँ, तुम्हारा सारा बिल कंपनी दे देगी, डोंट वरी। थैंक यू। पर मैडम नाम क्या है तुम्हारे पति का? नाम? हेलो, हाँ डॉक्टर पांड्या बोल रहे हैं, मैं पीके बोल रहा हूँ, लीजिए मैडम से बात कीजिए। हेलो डॉक्टर पांड्या। हाँ आई एम मिसेस नीलामणि पांडे। नमस्ते, सुनिए हमारी एक एम्प्लॉय है, उसका बच्चा आपके हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुआ है, उसका बिल हमारी कंपनी में भेज दीजिए। थैंक यू। नाम? नाम क्या है पति का?
जी पति कैसे कहूँ? हाउ स्वीट. डॉक्टर पांड्या वो नाम लेने से शर्मा रही है. देखिए वहाँ मिस्टर सूद करके आए होंगे. हाँ उनके बच्चे का नाम है टिल्लू. सर प्लीज टेक केयर ऑफ हिम. लो हो गया तुम्हारा काम. धन्यवाद मैडम. आज तो मैं बच गई. मुझे खुद ही नहीं पता मैं कैसे बच गई. दादाजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. मैंने एक झूठ बोला चमत्कार में एक नौकरी के लिए और बन गई मैं करीना से मिसेस सूद. दूसरा झूठ बोला था तनु की मदद करने के लिए, बन गई आरजे करीना. ऑफिस लेट पहुंची तो तीसरा झूठ बोला टिल्लू का. और ऊपर से तनु का 45,000 रुपए का सर पे मेरे कर्जा. जियो करीना, इन सब झूठों के साथ जियो. क्या करूंगी मैं, कहां से लाऊंगी मैं 45,000 रुपया? टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती है. अभी तो रेडियो शो की स्क्रिप्ट भी लिखनी है. कर्म करम चाय के साथ. गुड मॉर्निंग. गर्मा गर्म चाय के साथ मैं करीना आप सबका स्वागत करती हूँ. मेरे दादू हमेशा कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स भूलनी हो तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनो. तो आज हम सुनते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं. जल्दी से फोन उठाइए एंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम को फोन कीजिए ओनली ऑन 2633-1111 एंड एसएमएस के लिए 9820226111 ओनली ऑन 111.1 FM. हेलो करीना जी, कहिए आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी प्रॉब्लम है. मतलब? मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉब्लम में हैं. आपकी वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे भूलकर आप दूसरों की प्रॉब्लम सुनना चाहती हैं? Well, जो भी है एक बार मुझसे मिल लीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगी. Oh, really? Of course, आपके फैन, आपके चाहने वाले, वो जिनको आपकी जरूरत है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे. जरूर. एनीवेज थैंक यू, बाय बाय. और आप सुनिए ये गाना ओनली ऑन रेडियो करी. मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले, वो जिनको मेरी जरूरत है, वो लोग मदद जरूर करेंगे. आई लाइक यू बेबी. आई लाइक यू. आई लाइक यू बेबी. नो प्रॉब्लम, वील ट्राई दिस अगेन. आई लाइक यू. आई लाइक यू बेबी. I like you. I like you, baby. देखो देखो पिंकी, एक अच्छा आरजे बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपने ऑडियंस के करीब पहुंचो. देखो, फर्ज करो कि ये तुम्हारा माइक है. नहीं नहीं, माइक नहीं, इसे अपना दोस्त समझो. दोस्त. और तुम्हें अपने दोस्त यानी कि अपने ऑडियंस के करीब पहुंचना है, बहुत करीब. और जितना ही करीब तुम अपने ऑडियंस के पहुंचोगी, उतना ही बड़ा हिट तुम्हारा शो होगा. यू गेट माई ड्रिफ्ट? नारिका. हाय. तुम यहाँ क्या कर रही हो? Aren't you supposed to be on air? Yeah, right. हाँ तो जाओ अपना शो खत्म करो और मैं अपनी मीटिंग खत्म करता हूँ. But Prem. Bye. Bye. Anyways, so I was saying कि तुम्हें concentrate करना है अपनी audience पे. करीना मेरी एक problem है. मैं तो नहीं ना? जी नहीं, आप नहीं. मेरी girlfriend. आपकी girlfriend? जी हाँ. मुझे लगता है कि मेरी girlfriend और मेरे best friend के बीच में कुछ चल रहा है. कुछ चल रहा है? और वो दोनों ही मेरे बहुत प्यारे हैं. आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए. Let me tell you, वो दोनों आपको प्यारे हो सकते हैं पर आप उन दोनों को प्यारे बिल्कुल नहीं. वरना वो क्यों करती है ये सब?
देखिए जिंदगी में बस और दोस्त के लिए कभी वेट नहीं करना, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। ओ रियली? तो क्या आप मेरी दूसरी बस बनेंगी? ओ, मेरा मतलब है कि हाँ, मेरी दूसरी दोस्त। जी नहीं, मैं आपकी दूसरी दोस्त नहीं बन सकती, क्योंकि ये मेरे आखिरी शो का आखिरी दिन है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने आखिरी शो का आखिरी गाना, ओनली ऑन 111.1 FM रेडियो करी। ओहो आप आइए 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 ना, कमाल का अंदाज है भाई, वाह। पहले तो बिना नॉक किए अंदर घुस जाते हैं और अब जबकि मैं जानता हूँ कि तुम आने वाली हो तो बड़ा नॉक शॉक किया जा रहा है, किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। I'm sorry. Anyways, बोलो क्या काम है? 45,000. So? What should I do? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि जाके 45,000 का फोन खरीदो? अब जब कल वो लोग आएंगे तो बुक दो। It's not really my problem. It's your problem. I know. It's my problem. It's not your problem. अरे यार अब ये इमोशनल क्यों हो रही है? प्लीज देखो देखो, डोंट क्राई, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि कल मैं जेल जा रही हूँ और हर कोई जेल जाने से पहले रोता है। And I know it's my problem, it's not your problem. नहीं नहीं नहीं, देख देखो देखो, तुम जेल वेल नहीं जाओगी, just relax, sit down. देखो देखो मैं हूँ ना, देखो मैं सब ठीक करूंगा, तुम्हें जेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? just relax, I'll take care of everything, हाँ? I will take care of everything. मैंने तो सुना था कि प्रेम को अपनी नई आरजी तन्नू काफी पसंद है, पर ये तो नहीं नहीं, ये जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। Shut up, just shut up. Now I will take care of everything. Follow me. तुम रोही, अब मुझे क्या पता था कि हाँ ये हो जाएगा। God, प्लीज हेल्प प्रेम, मगर जिसकी ऐसी गर्लफ्रेंड हो उसे तो गॉड की जरूरत होगी ही ना। प्लीज गॉड, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी मुझे ही है, प्लीज हेल्प मी। मैं जानती हूँ अगर आज वहां रूही ना आई होती ना तो मुझे आज पक्का पैसे मिल जाते, पर जो भी हुआ ना उसके बाद प्रेम से पैसे मांगना तो इम्पॉसिबल। तनु का भी फोन मिला है, उसका लगता ही नहीं फोन। हाँ कुणाल के घर फोन करती हूँ और सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, आप तो समय से आ गए भाई। भाभी जी अभी अभी आपको पूछ रहे हैं जी, आइए मिल लीजिए। सर हाँ हमें एक एसटीडी फोन करना है सर। फिर बहुत एसटीडी कॉल्स होते हैं आपके हैं। चंडीगढ़ हस्बैंड तो आपके लोना ही वाला में रहते हैं ना, तो चंडीगढ़ में कौन रहता है? सास ससुर। देखिए ना सर इमरजेंसी है। ठीक ठीक है ठीक है, काम करो आप मिलन साहब के केबिन से करना फोन, वही एसटीडी है ठीक है। सर पर हम एसटीडी के पैसे किसे देंगे? उसकी आप चिंता ना करिए, क्योंकि चमत्कार का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है ना वो बहुत चमत्कारिक है। हाँ कहीं से भी फोन करिए, आपके सैलरी से कट जाएगा। चलिए चल जाए। थैंक यू सर। बाबा जी प्लीज कुछ भी करके तनु से बात करा दीजिए, वो ही कुछ कर सकेगी, उसे कहूंगी जल्दी से जल्दी पैसे भेज दे। कॉलिंग हस्बैंड, नो कॉलिंग मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बाय, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओ मामे फोन वगैरह उठाना। हेलो जी, आप बिश्नोई जी के घर से कुणाल को बुला देंगे क्या? जी मैंने बात करनी है उनसे। तो बात तो मैंने भी उनसे करनी है, पिछले 6 महीने से मेरा अभी तक बिल नहीं दिया उन्होंने। प्लीज बुला दीजिए,
देखिए मैं करीना बोल रही हूँ बॉम्बे से, मेरा बात करना उनसे बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मेरे को पता है, दुनिया में जब भी किसी का फोन आता है तो जरूरी काम के लिए आता है, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है। मामा किसका फोन था? ओ बॉम्बे से था किसी करीना का। क्या? करीना 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 मामा ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं अभी जाके मम्मी को बताता हूँ, फिर तेरी खैर नहीं, देखते रहियो अभी बजेगा। और पांजे फोन से ज्यादा तो अब तू बज रहा है। हो गया जी। मामा आपके बजेगा तो मैं उठाऊंगा, फिर तेरी खैर नहीं। करीना बज गया। हेलो करीना। मैं लिट्टू। ओहो मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, तुम तो मेरी बात पहचान रही होगी ना। मेरी याद आती है, पता है मुझे तो तुम्हारी याद हर पल आती है। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का बहाना करके यहाँ फोन किया जा रहा है। पता है कल रात को मैंने सपने में देखा कि हमारी शादी हो रही है और तुम सारे बंधन तोड़ के मुंबई से यहाँ लौट आई हो। बंधन तोड़कर? मतलब बंधन तोड़ने की बात चल रही है। हेलो हेलो करीना, करीना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? करीना नहीं मैं बोल रहा हूँ बेटा। मैं कौन? करीना कहाँ है? करीना दुल्हन बनने गई है, आज उसकी शादी है ना। हेलो हेलो करीना। मुझे शक तो पहले से ही था, लोनावला में पति वीकेंड्स पर आता है तो फिर ये तो होना ही था। क्या नाम है उसका? लिट्टू। सुना है बहुत लट्टू है तुम पर ये लिट्टू, शादी करना चाहता है, क्या बोलता? हम क्या बोले, यही बोलेंगे। जी वो बंधन तोड़कर सब कुछ छोड़कर चली आओ करीना। जी वो चमत्कार। जी हाँ चमत्कार का बंधन, उसका मतलब यही था कि फटाफट छुट्टी लो और यहाँ आ जाओ, और अगर छुट्टी नहीं मिलती तो नौकरी ही छोड़कर आ जाओ, आखिर बहन की शादी का सवाल है। ये तो होना ही था। ओ की कीता करीना, फिर झूठ बोले, फसगी कना कुड़ी कड़िकी च। बहन की शादी क्या करती मैं, एक बारी फिर से झूठ बोलना पड़ा। मेरी शादी तो हो गई, अब मैंने किसी और की करवा दी, चट मंगनी पट प्या। जी वो मेरी बहन है ना जिया, लिट्टू की उसी से शादी हो रही है अगले महीने। वो एक्चुअली लिट्टू मेरे बचपन का दोस्त है ना, तो इसीलिए मुझे अपने नाम से ही बुलाता है। मैंने उसे कह दिया कि मैं चमत्कार ग्रुप की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ, बहुत जिम्मेदारी का काम है और नीलू मैडम मुझ पर बहुत भरोसा करती है, भला उस भरोसे को मैं कैसे तोड़ कर आ जाऊँ। तो कहने लगा सब बंधन तोड़ कर आ जाओ। बंधन यही बंधन पीके जी ने सुन लिया होगा। आई लव यू आई लव यू आई लव यू उसने कहा था 3 बार। हाँ वो तो कहता है और मैं भी कहती हूँ आई लव यू, दोस्त की तरह मैडम, दोस्त की तरह। मैडम हर लव वो लव नहीं होता जो आप अपने पति के साथ करती हैं, पति तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर सिर्फ एक। और ये लिट्टू ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, बस एक दोस्त, और अब मेरा होने वाला जीजू। मैडम अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इसी वक्त आपको अपना रेजिग्नेशन दे देती हूँ। मेरा मन जानता है मैडम कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती हूँ। कुछ सुना आपने? कैसे सुनेंगे, आपके कानों में न जाने क्या क्या भरा हुआ है, पहले जाके कान साफ करवाइए और आइंदा ऐसे नहीं करना, समझा? भाभी जी अब जाइए। ऑफिस में कोई भी गलती करे डांट से पीके कोई पड़नी है, घर की मुर्गी है दाल बराबर। अब तो कोई ऑफिस में धोखा दे कोने झूठ बोले हमसे कोई लेना देना ही नहीं। करीना जा रही हो? हाँ बस अभी जाने वाली हूँ। अब इसे क्या बताऊँ कहाँ जाना है, कपड़े बदलने जाना है। कह दो इस नीलांबरी देवी से कि चमत्कार से निकल के सीधा सिटी मॉल जाती हूँ। सिटी मॉल जा रही हूँ। सिटी मॉल ठीक है फिर तुम जाओ। ओके बाय बाय। पीके। हाँ भैया जी। का बात है, आपका चेहरा ऐसा लटका हुआ काहे है? नहीं जो होना तो होगा बस अब ठीक है।
भाभी से डांट पड़ी है का? लो, हमका तो रोज ही पड़ती है। अगर हमारा चेहरा ऐसे लटकने लगे तो सोचो कैसा लगेगा हमारा चेहरा। पीके आप भी ना। अच्छा एक काम करो, ये लो। लो का है? क्लब में कोई दे गया था, वाउचर है किसी शॉपिंग सेंटर का, जाइए शॉपिंग वॉपिंग कीजिए, मन बहल जाएगा। नहीं नहीं का रखिए आप, रखिए। का पी के आप भी ना औरतों की तरह मुंह लटका लेते। हाँ का खरीदेंगे हम, का खरीदेंगे? पी के कुछ भी खरीद लीजिएगा, पैंट खरीद लीजिएगा, शर्ट खरीद लीजिएगा, लेकिन जब शॉपिंग मॉल से निकलिएगा ना तो मुस्कुराते हुए निकलिएगा। हैं? पी के आप तो इस कंपनी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब ही कुछ है, अब आपका चेहरा ऐसे लटक जाएगा तो कैसे चलेगा चमत्कार? हैं? जाइए आप माल जाइए, खूब माल खरीदिए। हैं? जाइए जाइए, ऐश कीजिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब ही कुछ, देखो भैया जी क्या कह रहे हैं। और एक तुम हो पीके, बड़े नीच हो गए हो, कुछ भी सोचने लग गए। ये कंपनी में कुछ हो गड़बड़ो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे काहे नहीं बोलेंगे, कंपनी हमार है। चमत्कार पांडे, पांडे पांडे नहीं देश पांडे कही। अरे वही एक है बात है, क्या कर रहे हो? जो फाइल का कुछ काम बचा था वही पूरा कर रहा हूँ। कराओ, करना पड़ेगा। एक बात याद रहे, हम हैं श्रीवास्तव पीके जी, इस कंपनी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोथ जी। कौनो गड़बड़ी पसंद नहीं है हम इस ऑफिस में, कौनो झूठ पसंद नहीं है, समझ गए? अरे तुम सुनील हो ना? नहीं मैं सुनील का भाई संजीव हूँ। अच्छा